आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रूपाली गांगुली, जिन्हें आप सब अनुपमा सीरियल की अनुपमा के नाम से जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूपाली गांगुली और कौन कौन से सीरियल्स में आपको नजर आएंगी, कौन कौन से सीरियल्स रूपाली गांगुली यानी कि आपकी अनुपमा ने किया है, तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बात करते हैं रूपाली गांगुली के सबसे पहले सीरियल की, तो यहाँ पे इन्होंने 2000 से 2001 तक सुकन्या नाम के सीरियल में काम किया है, जहाँ पे ये सुकन्या का लीड रोल प्ले करती हुई नजर आई है। फिर 2002 में दिल है कि मानता नहीं में प्रिया और अंजलि का डबल रोल किया है, जिसमें भी इन्होंने एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की है, बहुत अच्छा सीरियल है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 2003 से 2004 तक जिंदगी तेरी मेरी कहानी में रिया नाम का किरदार निभाती हुई नजर आई है। उसके बाद 2003 से 2005 में संजीवनी सीरियल में डॉक्टर सिमरन का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया है। 2004 में भाभी सीरियल में रोशनी नाम के किरदार में नजर आई हैं। इसके बाद 2004 से 2006 में सारा भाई व सारा भाई में मोनिसा नाम का किरदार निभाती हुई नजर आई हैं। इसके बाद 2015 में काव्यांजलि में मोना नाम की रोल को प्ले किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने 2005 से 2010 तक बा बहू और बेबी सीरियल में रेखा नाम का किरदार निभाया है। इसके बाद 2005 से 2007 में कहानी घर घर की में गायत्री अग्रवाल का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने 2006 से 2007 तक बिग बॉस 1 में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई हैं। 2007 में सपना बाबुल का विदाई में रूपा नाम का किरदार निभाया है। 2008 में एक पैकेट उम्मीद में सुजाता नाम का रोल प्ले करती हुई नजर आई हैं। और सेम 2008 में ही जरा नच के दिखा में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई हैं। 2009 में आपकी अंतरा में अनुराधा नाम का किरदार निभाया है। इसके बाद फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 2 चैंपियन 2 मीठी चुरी नंबर 1 में भी नजर आई हैं। 2011 में अदालत नाम के सीरियल में नजर आई हैं, जिसमें इन्होंने रोहिणी मलिक का किरदार निभाया है। मुझे मेरी फैमिली से बचाओ में स्वीटी नाम का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने 2011 से 2013 तक परवरिश कुछ खट्टे कुछ मीठे सीरियल में पिंकी जीत आहूजा प्ले करती हुई नजर आई हैं। बात करें 2013 की, तो 2013 में बायोस्कोप आता था, जिसमें एज अ होस्ट आपको अनुपमा देखने को मिलती है, यानी कि रूपाली गांगुली ने एज अ होस्ट इसमें भी काम किया है। नेक्स्ट 2017 में सारा भाई वेस्ट सीजन 2 में मोनिसा नाम का किरदार इन्होंने निभाया है। 2020 में ये रिश्ता क्या कहलाता है एज अ गेस्ट अनुपमा नजर आई है। नेक्स्ट एंड दी बहुत ज़्यादा फेमस सीरियल 2020 से जो अभी तक चला आ रहा है अनुपमा, इसमें इन्होंने लीड रोल अनुपमा का किरदार निभाया है, जिसमें इनका हर रोल हर एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुपर रही है। आपको इनमें से कौन सा सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।